नमस्कार, मैं सलोनी और आप देख रहे हैं देवभूमि क्राइम न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सरकार के एक वर्ष से कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में बहुउद्देश्य शिविर आयोजित। लक्षण नगर स्थित चंदन प्लेस नामक एक निजी बैंक का टोल में आज खानपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत प्रदेश सरकार के एक वर्ष से कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रशासन द्वारा बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान खानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमेश शर्मा सहित क्षेत्र के उप जिला SDM गोपाल राम विनवाल और तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ के अलावा कई प्रशासनिक अधिकारियों और रियासी दिग्गजों द्वारा भी इस कार्यक्रम का नेतृत्व तथा शिरकत की गई है। वहीं इस बहुउद्देश्यीय शिविर के दौरान राजस्व विभाग समेत कृषि विभाग, सर्व विकास समिति, उत्तराखंड पेयजल निगम, जिला समाज कल्याण विभाग के तहत दिव्यांग पुनर्वास केंद्र शाखा प्रभाव, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग, शिक्षा विभाग के तहत खंड संसाधन के उद्यान एवं खाद्य दल केंद्र द्वारा इस बहुउद्देश्यीय शिविर में अलग अलग चैम्बर स्थापित कर मौके पर आमंत्रित किए गए हैं। क्षेत्रवासियों को राज्य सरकार द्वारा प्रशासित योजनाओं के बारे में उत्पादनों सहित आवश्यक जानकारियां बारीकी के साथ लोगों को मुहैया कराई गई है। लक्सर से सुमित कश्यप की खास रिपोर्ट। सरकार अपना बखान करती है, कोई भी अपनी आलोचना स्वयं नहीं करता, आलोचना जनता करती है, आलोचना विपक्ष करता है। और मैंने मंच से सरकार की सराहना भी की है और सरकार के जहां पर कमी रही है वहां आलोचना भी की है। और जो लोग खानपुर के विकास में बाधा कर रहे हैं, जो लोग खानपुर के विकास में अड़ंगे अड़ा रहे हैं, मैंने उनको भी चेतावनी दी है कि रोक सको तो रोक लो। खानपुर का विकास तो होके रहेगा। खानपुर की जनता ने यह तय कर लिया है कि 20 साल में जो इस खानपुर विधानसभा का शोषण हुआ है वो अब आगे होगा नहीं। विकास हो रहा है, ये सबको पता है। सड़कों में काम हो रहे हैं, ये सबको पता है। ये सबको पता है कि बड़े काम भी हो रहे हैं। कभी किसी ने सपना देखा था कि लक्सर से बाईपास बनेगा और सोलानी तक जाएगा? सपने में भी किसी ने सोचा था? किसी को इस बात का ख्याल भी आया था कि ऐसा भी काम कराया जा सकता है? मैंने कराया एक साल के अंदर। किसी ने सोचा था कि उपजिला अस्पताल बनने के लिए यहाँ प्रस्ताव जाएंगे, उपजिला अस्पताल के लिए जमीन चिन्हित होंगी? मैंने जमीन चिन्हित कराई। किसी ने सोचा था कि गंगा पे, बाण गंगा पे स्पर लगेंगे? मैंने सोचा, मैंने कराया। तो मैं जो सोचता हूँ वो मैं करता हूँ। और ये मेरे घर के काम नहीं हो रहे, ये मेरे मोहल्ले का काम नहीं हो रहा, ये खानपुर की जनता का काम है। 20 साल आपने खानपुर की जनता का बेवकूफ बनाया, इस जनता को ठगा, इस जनता के नाम पर आपने राज किया। लेकिन आपने दिया क्या इस खानपुर को? कुछ भी नहीं दिया सिवाय फर्जी मुकदमे, गुंडई। आज कहाँ, आज क्यों नहीं होते फर्जी मुकदमे इस क्षेत्र में दर्ज? आज क्यों नहीं होते झगड़े इस क्षेत्र के अंदर रोज रोज? आज क्यों नहीं लोग जेल भेजे जाते फर्जी मामलों में? क्यों? क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है जनता से, मैं निष्पक्ष हूँ सबके लिए। आप किसी भी गांव का मामला उठा के देख लीजिए, जहां भी झगड़े हुए होंगे मैंने फैसला कराया होगा, कभी किसी एक पक्ष को जेल नहीं भिजवाया होगा। तो जनता के लिए हर आदमी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसके अपने समर्थक होते हैं। ये खानपुर विधानसभा है, मैं इस खानपुर विधानसभा का संरक्षक हूँ। लोग मुझे अपना संरक्षक मानते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ईमानदारी से क्षेत्र के लोगों के लिए काम करूँ। मैंने कमीशन खोरी बंद कर दी। आज सड़कें देखो, आज CC की सड़कें देखो, एक एक फुट की सड़कें डलती हैं। जो सड़कें 6 महीने नहीं चलती थी वो सड़कें 6-6 साल 10-10 साल चलेंगी। टूट जाए तो मुझे बता देना। सरकार के निर्देशन पर, सरकार का एक साल पूरा होने पर आज खानपुर विधानसभा क्षेत्र का जो बहुउद्देश्यीय शिविर और स्वास्थ्य शिविर का यहाँ आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में जो विभागों के स्टॉल लगे हैं जिसमें विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का और सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। और यहाँ पे मेडिकल
कैंप भी लगाया गया जिसमें सभी प्रकार के टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं, सभी प्रकार की ओपीडी देखी जा रही है और सभी जो पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं उनका चेकअप किया जा रहा है। कल एक लक्सर विधानसभा का सीवर भी युवराज पैलेस लक्सर में होना है, उसमें एक विशेष है, उसमें दिव्यांग व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी निर्गत किए जाएंगे। तो ये इस तरीके का कार्यक्रम जो है इसमें जनता को हर प्रकार की सुविधाएं एक जगह मिले, इसका उद्देश्य निश्चित रूप से जो सरकार की डायरेक्शन है उसके हिसाब से जनता को मिल